welcome back to my channel. Friends, हम जा रहे हैं कुर्ग. हम मतलब मैं, मेरी family, मेरे friends, हम सब साथ जा रहे हैं. सारी तैयारी हो चुकी है, बस wait कर रहे हैं गाड़ी आने का. गाड़ी आ जाएगी तो फिर हमारा trip चालू हो जाएगा. तो आप भी enjoy कीजिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे साथ और दिखाएंगे क्या क्या कुछ खास होने वाला है इस. हमारा ट्रिप चालू हो गया है और हम निकल गए हैं घर से. हेलो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम यहाँ पे कुर्ग पे और हम यहाँ पे आए हैं 6 घंटे की जर्नी करने के बाद और हम यहाँ पे निराहा होम स्टे में स्टे कर रहे हैं. हाँ, बहुत थक गई है मेरी बेटी, इसकी तबीयत भी थोड़ी सी हो गई खराब. और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये व्यू है यहाँ का. पहाड़ी पहाड़ी एरिया है, रूम्स वगैरह भी काफी अच्छे हैं. आइए हम दिखाते हैं. वेदर भी अच्छा है यहाँ पे, कितनी अच्छी व्यू, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे. भाई शहर से दूर आके ये सब देखो, नजारा बहुत अच्छा लगता है, आंखों को सुकून सा मिलता है. ये देखिए कितना अच्छा व्यू है ये. अब हम लोग थोड़ा देर बाद फ्रेश अप होने के बाद फिर हम जाएंगे घूमने, कुर्ग देखने. कुर्ग में क्या स्पेशल है यहाँ पे, किस लिए ज़्यादा फेमस है, सब देखेंगे हम आज. देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, वेदर भी कितना अच्छा है. ये हमने यहाँ पे यहाँ हम स्टे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है. काफी बड़े बड़े रूम से यहाँ पे और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो लोग भी हैं, सब रेडी हो रहे सबका सेपरेट सेपरेट कमरा है. ये देखो ये सब अभी थक गए 6 घंटे की जर्नी करने के बाद, अब सब रेडी हो रहे हैं. रेडी होके फिर हम चलेंगे कुर्ग में, देखेंगे स्पेशल स्पेशल क्या है यहाँ पे. ये देखिए ये बाहर का है, अच्छा है, काफी अच्छा है ये. एक तो एक अच्छा इसलिए भी लग रहा है ना क्योंकि ये बहुत वो है, शांत सा एरिया है. और सबसे अच्छी बात है कि हर जगह हरियाली हरियाली दिख रही है तो मन को अच्छा लग रहा है. देखिए कितने दिन बाद शहर में ही ये सब कहाँ देखने को मिलता है. शहर से दूर जाओ तो आपको दिखने को मिलेगा ये सब हरियाली, बहुत अच्छी जगह है. वहाँ पे कुआं भी है, कुआं देख, बहुत दिन बाद मैंने कहीं कुआं देखा है. खैर वो पानी है नहीं, उसमें सूखा हुआ है, सूखा पानी. काफी अच्छा है ये. गाइस अगर आप लोग भी कभी आइएगा तो यहाँ पे आप जरूर स्टे कीजिएगा, निराहा होम स्टे बहुत अच्छा है. यहाँ के जो ओनर है वो बहुत अच्छी है. खाना हमारा वेट कर रहे हैं और हम खाना खाने का वेट कर रहे हैं. बस ये आंटी खाना बना रहे हैं. आंटी क्या बनाया, रोटी और ने? रोटी और क्या बनाया, सब्जी. सब्जी हाँ, सब्जी स्पेशल स्पेशल डिश आंटी के हाथ से आज खाने को मिलेगा. ये हमारा खाना रेडी है, सब खाने बैठ गए. तो हम चल दिए गाइस आबी फॉल्स. कॉफी प्लांट्स, भाई अभी सब कुछ लगा हुआ है लेकिन मतलब उधर मौसमी लगा, लेमन लगा, कटहल लगा, देख नहीं कर. हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं एबे फॉल्स में. ये देखिए पीछे का व्यू, ये कितना अच्छा व्यू है पीछे का. और ये हमारे फ्रेंड्स, हम सब कैसे खिंचवा रहे हैं यहाँ पे.
अब हम जा रहे हैं राजा सीट। बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं भाई, यहाँ पे बड़ा मेंटेन किया हुआ है, ये देखो। जितना सुंदर यहाँ का पार्क है उतना ही सुंदर यहाँ का नज़ारा भी है। यहाँ पे लोगों की भीड़ इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि लोग यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आते हैं। पीछे देखिए सनसेट हो रहा है, ये खास इसी के लिए तो हम आज आए थे। यहाँ पे सनसेट हो रहा है लेकिन आप लोगों को दिखेगा कुछ नहीं कि आपको हमें दिख रहा है, बहुत दूर का है वो, जरा सा है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और फिर नेक्स्ट डे फिर से हम घूमने जाएंगे, कुर्ग की और अच्छी अच्छी जगह देखने जाएंगे। अब हम घूमने के बाद यहाँ पे आए अंबिका रूप में, यहाँ पे हम डिनर करने आए हैं और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है बंजार सूप ऑर्डर किया है हमने और बटर नान ऑर्डर किया है। अभी हम वेट कर रहे हैं, हाँ वो ऑर्डर किया ना आपने, कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, आप कभी भी कुर्ग आइएगा तो ये इस वाले रेस्टोरेंट आप जरूर आइएगा। हम भी पहली बार ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, बट लेट्स सी देखते हैं कैसा रहेगा वहाँ पे, वैसे तो रिव्यू बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट डे फिर से निकल गए घूमने के लिए, अब हम जा रहे हैं अब अपने घर, ये सब जाने को रेडी हो गए। बाय कर दो, बाय आंटी, बाय। आ चुके हैं दुबारे फोटो सेशन कर रहे हैं, सोच रहे कौन कौन सा एंगल से फोटो क्लिक करें, तो कभी ये कभी ये कभी तरह तरह की फोटो, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। आप भी जब भी आना यहाँ पे प्लीज जरूर आना, खूब अच्छा लगेगा आपको भी, बहुत एंजॉय करोगे आप भी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। जगह का नाम, जगह का नाम है दुबारे, दुबारे, यस दुबारे एलिफेंट कैंप, हाँ एलिफेंट कैंप करके है, बहुत ही अच्छा है। अभी हम एक्चुअली अपने घर ही जा रहे हैं लेकिन हम सोच रहे हैं घर जाते जाते जो भी रास्ते में मिले हम उसे देखते जाए, इंजॉय करते जाए ताकि कुछ छूटे ना, कुछ मिस ना हो जाए। ठंड ठंडे पानी में, फिर बैंगलोर में ठंड नहीं है, कूर्ग में भी
ठंड नहीं है, गर्मी हो तो हम इंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर आ चुके हैं। बहुत अच्छा रहा हमारा ये ट्रिप, हमने बहुत इंजॉय किया और आई थिंक मेरी लाइफ का ये बेस्ट हॉलीडे ट्रिप रहा। आप भी जरूर कुर्ग जाइएगा। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको फिर से नए वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।